हम लोग जाके अदर स्टेट में खेलते हैं, हमारे साथ क्या बीता वहाँ पे हम लोग जानते हैं। वहाँ पे हमारी वहाँ पे कोई सुनता नहीं है और वहाँ कुत्तों की तरह हालत होती है कि बाहर निकाल दी जाती है। क्या बिहार का डिमांड नहीं है कि अगर स्टेडियम बने यहाँ पे, हर क्षेत्र में बने, बच्चे आगे बढ़े। जी नमस्कार, हम राजा, आप देख रहे बनी झलको चंपारण न्यूज। आज हम आयल बनी अपने के पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के युवा कर रहा बा पुकार कि यहाँ के जे भी नेता बा हम लोग के स्टेडियम में, कौनो स्टेडियम नहीं है कि यहाँ के जौन युवा बाटे कि यहाँ पर कौनो खेल चाहे कौनो क्रिकेट कर सके। यहाँ के युवा के पुकार बा कि स्टेडियम दो और वोट लो। किसी भी पार्टी से, कौनो भी पार्टी से, कौनो भी नेता यहाँ अगर चुनाव लड़ी, ओकरा स्टेडियम के जरूरत बा यहाँ के लोग के। और देखिए आगे सामने दिखा रहा बानी जौन कि भैया लोग यहाँ पर स्टूडेंट, युवा शक्ति करे पुकार स्टेडियम दो अब की बार, युवा शक्ति करे पुकार स्टेडियम दो अब की बार। निवेदक रॉक स्टार क्रिकेट कमेडी केसरिया पूर्वी चंपारण के सभी युवा शक्ति केसरिया प्रखंड के यहाँ कर रहा बानी पुकार कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर स्टेडियम बनवाई ओकरा के दियाई वोट। आई हम अपने के मिलवाओ तनी यहाँ के जितना भी लोग लड़का सब युवा दल के साथी लोग से कि यहाँ के साथी लोग के का दिक्कत बा और का पुकार बा सरकार के निर्णय के लेकर के। जी भैया, आज स्टेडियम की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारे जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन है, जो यहाँ पे क्लब चल रहा है और छोटा भी यहाँ पे स्टेडियम नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी बड़े नेता, छोटे नेता आज तक रिस्पॉन्स नहीं लिए। कितना भी बोले हम लोग, जितने भी विधायक आए, हम लोग बोले कि एक छोटा सा स्टेडियम दे दीजिए ताकि हम लोग जितने भी स्पोर्ट्समैन है आज जाके खेल रहे, कोई और नर्सल खेल रहा है, दो दो प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पे किसरे विधानसभा से, मुजाहिद और राकेश जो अरुणाचल प्रदेश से अंडर 23 खेल रहे हैं। और यहाँ बिना स्टेडियम के कोई प्लेयर कैसे आगे उभरेगा। हमसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जितने भी मेरे अधिकारी के नेता हैं वो मेरी आवाज़ को सुने और स्टेडियम के लिए जी आइए और आगे मिलिए इन भैया से। सबसे पहले ये जो आज मेरा नाम खुर्रम खान हुआ, सबसे पहले मैं पत्रकार लोग जो आए हैं उन लोगों के माध्यम से, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या जो भी MP लोग हैं जो यहाँ आते हैं, हम लोग का बहुमूल्य वोट लेके जाते हैं, मैं इन लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केसरिया प्रखंड से 4-5 टीम ऐसी है जो आपके मोतिहारी जिला बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है और वो लीग खेलती है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर स्टेडियम नहीं होने के कारण यहाँ से प्लान कर चुके हैं दूसरे स्टेट में, जैसे बैरिया, केसरिया का जो बैरिया पंचायत है वहाँ से एक लड़का राकेश कुमार जो रणजी ट्रॉफी खेलता है अरुणाचल से, और गोची कुसर का एक लड़का है शम्स आलम, वो भी रणजी ट्रॉफी खेलता है अरुणाचल प्रदेश से, और गोची कुसर का एक और प्लेयर है मुजाहिद खान, 23 एज ग्रुप जो होता है स्टेट का, वो अरुणाचल प्रदेश से। इस तरह से बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे जो जिला में अपने हुनर का परचम लहरा रहे हैं। नाम तो मैं सबका बारी बारी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन फिर मैं ये बताता हूँ कि केसरिया की एक ऐसी धरती है, यहाँ पर हर तरह के टैलेंट हैं और बेसिकली हम लोग यहाँ पर खेल के लिए उभरे हैं, तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सब कुछ का टैलेंट यहाँ भरा पड़ा है। लेकिन एक जो हम लोग का मूल मांग है वो है स्टेडियम। स्टेडियम नहीं होने के कारण बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, कभी छोटी सी जगह खेत में कहीं कहीं खेल के भी अपने देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम लोग का मांग यही है, और जितने भी हमारे पीछे ये बच्चे खड़े हैं सब स्पोर्ट्समैन हैं, सारे खिलाड़ी हैं। स्टेडियम नहीं होने के कारण जगह जगह दर बदर भटक के ये अपना गेम को रखे रहते हैं, चलाते हैं जैसे भी हो। और एक क्लब भी चलता है यहाँ पर, 2-3 क्लब चलता है केसरिया में, और एक क्लब जो चलता है रॉक स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी, जो बच्चों को टैलेंट को आगे उभारने की कोशिश करती है बिना स्पॉन्सर, बिना सपोर्ट के। लेकिन इसी एकेडमी के बैनर तले हम लोग की ये मांग है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए और इस चीज़ को, हमारी मांग को पूरी करेंगे, हम लोग दिल से उनके साथ हैं। और हमारे जो बच्चे हैं आप इनसे भी कुछ दो सब पूछें। नो वोट नो स्टेडियम, नो वोट नो स्टेडियम, हमारी मांग यही है, नो वोट नो स्टेडियम। कब तक हम लोग ऐसे खेतों में खेलते रहेंगे, कब तक ये नेता लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन हमारे लिए डिमांड एक ही है बच्चों को कि ये स्टेडियम मिले, जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर स्टेडियम बने, हमारे बच्चों का ग्रोथ आगे बढ़े। हमारा डिमांड क्या है, स्टेडियम नो वोट नो स्टेडियम, हमारा डिमांड यही है और हम यही चाहते हैं। जो प्रत्याशी यहाँ पर स्टेडियम दी वो
प्रत्याशी के यहाँ के जितना भी युवा दल बा, जितना भी यहाँ के समाज के जितना भी नागरिक बा, सब वो जो है वो यहाँ के लोग वही लोग के वोट दी। जो यहाँ कोनो छाप के जरूरत नहीं है, यहाँ भी कोनो भी नेता के छाप के जरूरत नहीं है कि फलवा पार्टी से आएंगे तो फलवा पार्टी से आएंगे तो स्टेडियम। जो भी नेता यहाँ पर जो बाटे क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनवाई, यहाँ के युवा यहाँ के सब समाज वही पार्टी के वोट दी और आगे बढ़ाई। देखिए आइए मिलवा रहा बनी आगे एक और भैया से। जी भैया, यहाँ पे जितने भी हमारे, मेरा नाम धीरज कश्यप हुआ और मैं यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि केसरिया प्रखंड लेवल के जितने भी विधायक प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, उनसे यही मेरा आग्रह है कि यहाँ पे स्टेडियम बनवाएं और स्टेडियम को मतलब यहाँ जो भी लड़का इतने पीछे जो खड़ा हुआ है सब स्टेडियम मतलब क्रिकेट का स्पोर्ट्समैन है सब, इन सबको मतलब स्टेडियम का ही किया जाए और स्टेडियम बनवाने का अनुरोध किया जाए। मेरा यही आप लोगों से विनती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग से, नो वोट नो स्टेडियम, नो वोट नो स्टेडियम। और जितना हो सके मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो और स्टेडियम बने, ताकि हम लोगों को यहाँ पे विकास हो, बच्चों का विकास हो, खेल कूद में कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग जाके अदर स्टेट में खेलते हैं, हमारे साथ क्या बीतता है वहाँ पे हम लोग जानते हैं, वहाँ पे हमारी वहाँ पे कोई सुनता नहीं है और वहाँ कुत्तों की तरह हालत होती है कि बाहर निकाल दी जाती है। क्या बिहार का डिमांड नहीं है कि अगर स्टेडियम बने यहाँ पे हर क्षेत्र में बने, बच्चे आगे बढ़े? ठीक है, यही डिमांड है सारे बच्चों का। नो वोट नो स्टेडियम, ठीक है, नो वोट नो स्टेडियम, यही पुकार है हमारे जितने बच्चों का डिमांड पूरा हो, और जब पूरा नहीं होता है तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और नहीं होगा। ठीक है, ये आंदोलन चलता रहेगा, ये